नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा आठवीं का पानी की कहानी पाठ का के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। तो आइए, आपका समय बिल्कुल ख़राब न करते हुए पानी की कहानी पाठ के प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है भाई, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को बेर की झाड़ी पर से ओस की बूंद मिली। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी या क्यों कांप उठी? पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करके भी ही बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को पूर्वज कहा है। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ है और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई है और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ है। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रही और उसके पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर के ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। भाई, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। अगला प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अत्यधिक ठंड और गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अत्यधिक ठंड और गर्मी अधिक गर्मी नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी रहती है। पेड़ के भीतर फवारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों के पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? भाई, पेड़ के भीतर फवारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये थे विद्यार्थियों
थोड़े से जो प्रश्न जो हम सब ने कर लिए हैं, इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें और भाई धीरे धीरे इनको याद कर लें, ताकि आने वाली आपकी जो परीक्षा है इस वर्ष बोर्ड के द्वारा ली जाएगी, उसके लिए आप तैयार हो सकें। तो विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो, या आपको इसमें कोई परिवर्तन चाहिए तो भी मुझे बताया करो, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयत्न कर सकूं। तो अगले लेसन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। विद्यार्थियों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थियों।